Guys, back to BioCool, part 2 of the video. Now, जो दूसरा टॉपिक है हमारे पास, that is, हमारे दिमाग में एक सवाल आता है, वो सवाल ये आता है कि मान लिया माइक्रोस्फेयर के अंदर न्यूक्लिक एसिड घुस गया था, ठीक है, लेकिन वो न्यूक्लिक एसिड था कौन सा? Was it RNA or was it DNA? Now, अगर मैं दुनिया जहान का ऑर्गेनिज्म देखूं, dog, cat, rat, buffalo, trees, even bacteria, तो जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए. सबका जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए, सिवाय वायरसेस के. सम ऑफ द वायरसेस हैव जेनेटिक मटेरियल एज आरएनए, जैसे कि टोबैको मोज़ेक वायरस, एचआईवी वायरस, है ना. तो सम ऑफ द वायरसेस हैव जेनेटिक मटेरियल एज आरएनए, व्हेयरएज मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स हैव जेनेटिक मटेरियल एज डीएनए. अब इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से जाता हूं तो भाई फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल वुड हैव गुड ऑफ कोर्स शुड बी द डीएनए बिकॉज एवरीबॉडी हैज डीएनए. बट नो, हम जिस हाइपोथेसिस में मानते हैं, वी बिलीव इन हाइपोथेसिस नस आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस. ये हाइपोथेसिस कहती है कि आरएनए वाज़ द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल. नाउ द रीजंस क्या है क्यों आरएनए वाज़ द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल इज, नंबर वन, आरएनए इज अनस्टेबल. तो खुद से सोचो कि जब मुझे एवोल्यूशन चाहिए, जब मुझे म्यूटेशन चाहिए, क्विक म्यूटेशन चाहिए शुरुआत में, तो क्या एक स्टेबल मॉलिक्यूल ज्यादा बेटर रहेगा या अनस्टेबल मॉलिक्यूल? ऑफ कोर्स द अनस्टेबल मॉलिक्यूल. और डीएनए आरएनए में कौन अनस्टेबल है? आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, 3' पे ओएच फ्री है, सॉरी 2' पे ओएच है, तो इट्स अनस्टेबल, इट हैज मोर म्यूटेशंस. तो हेंस आरएनए वुड हैव बीन द बेटर जेनेटिक मटेरियल. पॉइंट नंबर 2, आरएनए कैन एक्ट एज सब्सट्रेट एंड एंजाइम. आरएनए एक ऐसा केमिकल मॉलिक्यूल है जो खुद सब्सट्रेट की तरह काम कर सकता है एंड खुद एंजाइम की तरह भी काम कर सकता है. क्लियर? तो क्योंकि वो सब्सट्रेट की तरह काम कर सकता है, एंजाइम की तरह काम कर सकता है, इनिशियली हमें रिएक्शंस चाहिए थी, ठीक है, क्विक रिएक्शंस चाहिए. तो यस, आरएनए वुड हैव प्रोवाइडेड दोस रिएक्शंस, हेंस आरएनए इज अ बेटर जेनेटिक मटेरियल फॉर इनिशिएशन ऑफ कोर्स. बाद में देखो, आरएनए एक जेनेटिक मटेरियल क्यों नहीं है, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जहां आ रही थी वो ये आ रही थी कि हम जानते थे डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से डीएनए नहीं बनता है, ये हम पहले जानते थे. लेकिन जब हमें एहसास हुआ, जब हमें पता चला कि देयर आर सम रेट्रोवायरसेस व्हिच हैव एन एंजाइम नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, जिससे आरएनए से भी डीएनए बनाया जा सकता है, तब ये चीज क्लियर हो गई थी, यस आरएनए कैन ऑल्सो फॉर्म द डीएनए, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. तो पहले जेनेटिक मटेरियल क्या रहा होगा? आरएनए, बिकॉज इट वॉज अनस्टेबल, खुद एंजाइम की तरह काम कर सकता है, म्यूटेशन से ये थे उस वक्त. लेकिन आज डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल क्यों है? क्योंकि जब एक बार एवोल्यूशन होना शुरू हो गया तो बाद में ऑर्गेनिज्म को रखे रखने के लिए स्टेबिलिटी चाहिए थी. तो शुरुआत में जरूरत थी आरएनए की, तो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल वाज आरएनए. बाद में जरूरत थी स्टेबिलिटी की, तो आरएनए कन्वर्टेड इनटू डीएनए, एंड दैट इज द रीजन वी ऑल हैव द जेनेटिक मटेरियल एज डीएनए. तो वी बिलीव इन आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस. क्लियर पॉइंट? थैंक यू.